सही बता गाइस, बेल बजी बोल रही, सब्सक्राइबर आए। हाय, वो घर कैसे मिला? आज मैं मतलब हाँ आगे पीछे समझ गई। हो गया कर लू। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे। हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने और कबाब में हड्डी भी जा रही है जो मोबाइल से ब्लॉग बना रही है। अब ये सब पड़ेगी ना उल्टे, नहीं सॉरी सी जी मन निकाला कर। अच्छा ये तो बोल दे, कौन से भगवान जी की कृपा बनी रहे आज? भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर, हम पर, सब पर बनी रहे। तो ये तो जो बोलना क्यों पड़ता है रोज रोज। चल सॉरी, आजा चुईया चल। गाइज ये स्टिकर है हमारी सोसाइटी का, गार्ड इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया है बबलू स्टिकर दिया है। अपनी कार में लगा तो स्टिकर, अरे साहब ये कंपनी नया दे रही है तो आप कंपनी, ये कौन सी? अच्छा कंप्लेन, वो कंपनी वही है, कंपनी है, कंपनी गौड़ी है भैया। ये जेवर भी बेचने लगे। अरे भाभी जी कुछ डाल के आया कल, और ये ऐसा ही है। अरे गहना ज्वेलर्स कौन लेगा? ज्वेलर्स गहना वाला जी, मोदी जी ने कुछ नहीं छोड़ा, बस हर आदमी परेशान है। मैं लगा दूंगा तो अंदर से ही ठीक है, अभी अपन होते तो ऊपर से लगा लेते। हाँ ना देखो ना मेरी एक्टिव वहाँ पे तो निकाल दिया ना लोगों ने। ये मम्मी बबलू गार्ड भैया जैसी क्यों लग रही है? पागल मम्मी बदल गई। प्लीज सफारी, कुछ नहीं हो रहा, बेच रहा मैं यार। नहीं वो पापा को उसकी एयर निकालनी पड़ेगी, वो हर बार तो होता है। एसी का अगर ऑन हो जाए, और कल पापा सागर गए थे तो गाड़ियां ही खड़ी हुई थी। गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह मोदी को वेजिटेबल दिलाने आया हूं। वेजिटेबल ले रही है अब वो पापा, अगले आधे घंटे तक अपन बैठना है, अपन बैठे रहो। चलो अच्छा भैया एसी में बैठे हैं, बस बात खत्म, लेती रहे हम वो। गाइस वो एक बार खो जाती है ना सब्जी में, ये देख लो तुम यार अभी से। कब तक लेगी तू है? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। हर जगह तेरे को वो करना होता है ना, कहीं तो सीधी बन जाया कर। जैसी सब्जियां हो जाएंगी ले लूंगी, इसमें क्या मजा। वाइफी तो गाइज ये वाइफी और वाइफी के बच्चों के लिए आ गया नाश्ता। लो जी हाय मम्मी। हेलो बुल्लू जी, सीताराम, सीताराम जी थैंक यू। पप्पू थोड़ा कम कर दीजिए। ओके बेटा जी, थैंक यू जी, थैंक यू पंडित जी। वेलकम सीताराम। सीताराम जी देखो कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, या क्या हो गया? वो पैरों में नई चप्पल पहनी है इसलिए ड्रामे बस। मैं अभी चप्पल चेंज करने गई थी ना बाहर की, हाँ मुझे ये दिख गई, मैंने कहा नहीं पहनूंगी। तो जैसे लंगड़ा के आ रही कुकू, अपन की हार्ट बीट बदल जाती है भैया। क्या है ना फिर मैं ऐसे ध्यान कैसे तुम लोगों को दिलवाऊंगी कि मैंने नई चप्पल पहनी है? अब ढंग से चल भाई, ये छोड़ पहले मेरी बात सुन। पेपर में आया था बताना भूल गई हूँ, अब पीछे बैठने वालों को भी टू व्हीलर पे हेलमेट लगाना अनिवार्य, वरना पीछे वाले के 500 रुपए और आगे वाले के 300 रुपए, टोटल 800 रुपए देने पड़ेंगे। और ट्रैफिक पुलिस की नजरों में अपन बहुत बुरी तरह से आ चुके हैं। हाँ भाई दो इसके एक चालान, पापा के तीन, पापा के दो मेरा एक, टोटल तीन। अब मेरे को एक आइडिया आया है, मौसम है तरबूज का, तरबूज ज्यादा लाओ, काट के खाली करो, सुखा लो, अंदर पेंट बाहर काला पेंट, जब अपन रेड लाइट पहुंचे वो तरबूज लगा लो खेत में, है ना? क्योंकि इसके साथ तेरे साथ जाना ही पड़ता है, मैं तो महीने में एक दो बार जाती हूँ, और फिर वापस निकलते ही उतार के रख। तू पागल है यार, फिर लगा लो। क्यों तरबूज लगा के घूमेगी सर पे 300 रुपए बचाने के? प्लीज इसे मजाक में ही लेना, ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, काले रंग का किसी को पता नहीं लगेगा। अब चुप रहे, पकड़ेगा ना इतनी बेइज्जती होगी ना।
चालान आते तब तुम्हें बहुत इज्जत बढ़ जाती है। चालान भर देंगे पर ये सब ये वो नहीं करेंगे। हेलमेट भी नहीं खरीदेंगे। हाय गुड आफ्टरनून गाइस, और ऑफिस जाने की तैयारी। टाइम ज्यादा हो रहा है ना, बज गया पापा। लेट भी तो मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में मैं भी कंफ्यूज हो जा। लेट हुए भी तो मम्मी की फैमिली जानती है कि अपन तो बुद्धू राम है, भोले मासूम क्यूट, उससे कुछ और कहते हैं आज की दुनिया में। पापा इससे आपने कुछ और आपको बोला सही बता। गाइस बेल बजी ऑलरेडी सब्सक्राइबर आए। आई एम नॉट श्योर, मतलब ये मजाक कर सकती है बिकॉज इट्स अ प्रीटी मच बिग डील फॉर मी। हाय हाय, कौन है जी आपके सब्सक्राइबर? कहाँ से आए हो? हम जो आपसे पहले मिले आए थे से, वो दो स्कूटी से एक स्प्लेंडर से। हाँ शेखर और अंजलि भाई हैं। अच्छा वाह, घर कैसे मिला? हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। सच्ची बताओ यार, तुम कितने क्यूट हो यार सच में। आओ थोड़ा सा अंदर आ जाओ ना, इट्स ओके। कम 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 आ जाओ जी, चप्पल वप्पल मत उतारो यार, चिल। गाइस आई एम सो हैप्पी, यार तुम कितने प्यारे हो यार, बैठो प्लीज। तो कहाँ रहते हो तुम लोग? हम यहाँ, ये क्या नाम है? ये गांव से बाहर है ना? हाँ प्रभु सुपरमार्ट। हाँ उससे आगे जाके भाई। अच्छा मैं मतलब हाँ आगे पीछे समझ गई। आगे नहीं यार, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोग लिटरली यहाँ पे आए। I'm so happy। ये देखो यार, ये सबसे क्यूट सब्सक्राइबर है हमारा, तुम्हारे तो चीक्स भी लाल हो रखे हैं। बाय बाय जी गाइस, टेक केयर, बाय छोटू। अब लग रहा है सौरभ जोशी हार्ड वर्क ब्रो। I'm so happy, ग्रेटफुल है, वेरी हैप्पी। तो जी गाइस, बढ़िया से तुम्हारा ये दोस्त वॉक करके आ चुका है, और यहाँ पे एक और मेरे साथ एक जानवर मौजूद है, ये रहा, जो कि किस फिराक में है? मेरा एक सवाल है, हाँ तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे जो व्यूअर्स हैं वो तुम्हारे दोस्त हो सकते हो, तुम्हारे दुश्मन हो, तुम्हें पसंद ना करते हो? अगर पसंद ना करते होंगे तो वो क्यों देख रहे होंगे? हो सकता है वो बंद कर चुके हो अभी तक, तुम्हारी सारी शक्ल आ गई है सामने। अरे यार बंद कर चुके होंगे तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो जानवर है ना मेरे पीछे खड़ा, ये पता है किस फिराक में? ब्रेड पे हरी चटनी लगा के खाने वाला है ये। कट मत करना, रुक जा। अरे यार अब ये मेरे को ऑर्डर भी मिल जाते हैं। 8 बजने वाले हैं और मुझे भूख लग रही है, चटनी रखी थी, ब्रेड और बटर रखा था, और मैं इतनी अच्छी हूँ संस्कारी बीवी, मेरे पति जब तक नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। खा रहे, ब्रेड बटर जब तक खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन ब्रेड बटर बहुत झूठी है गाइस। ये अपनी एक तो इसे बंद कर दो, ये अपनी इमेज सही करने के लिए कुछ भी बोल सकती है, इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। अरी दुलारी गुकी कचौड़ी माँ जी। मैं तो झूठी हूँ, जो ये सारा झूठी है। अच्छा वापस रखा जाएगा। अच्छा सॉरी यार गाइस, बढ़िया सा पिज्जा सैंडविच सब्जी बनेगी अब बस। चुप, पिज्जा सैंडविच बन रहा है और यार मेरे पता नहीं क्या हो रहा है मेरा। तू चुप, आज भी यार मेरा सर इसी वजह से दुखता है, पता है मैं वही कहने वाली थी, आज भी मेरा सर दुख रहा है। अब तुम्हें वो भी पता ही क्यों दुखता है, दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मत वो लाइट ऑन रहने दो बाथरूम की, मैं जा रही हूँ। जीना हराम कर रखा है? हाँ जीना हराम कर रखा है। घर छोड़ के निकल ले अब, आ गया। ये मेरे पिताजी का घर है, जो घर तो मेरा है। गेट आउट, पिताजी को रखा है मैंने तुम्हारे। क्या? एक सेकेंड क्या रिपीट? मैं पापा को बहुत प्यार करती हूँ, लव यू पापा। अच्छा पिताजी को रख रखा है तुमने? अबे इतना भी मत बोलो कि तुम्हें घर से बेदखलात कर दिया जाए। हेलो गाइस, शाम और जाम की तैयारी। शाम की है तैयारी टोटल, ये देखो। अरे बाल तो हटा लो, क्या है ये? गीले हैं। नहीं तो मुंह पे रखने से सूख जाएंगे। कौन सा टाइम है नहाने का? ये अपनी माँ के रोल में ही रहती हैं, मतलब इंसान से नॉर्मल बात तो कर ही नहीं जा सकती भाई। नॉर्मल में क्या बोलूं बताओ। अरे बेटा कितना सही टाइम चुना आपने नहाने का, गुड। कल अगली बार रात को 2 बजे नहाना भूतों के टाइम पे। अपन तो नहा भी लेंगे, अपन को क्या है ब्रो। ला भाई चेयर्स तो कर ले, ये तेरे को यार रूल्स पता ही नहीं है, ये ले कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक, ओ भाई
देखना सफाई दी जा रही है, कोल्ड ड्रिंक है तो कुछ भी पियो, चीयर्स करो। यहाँ तो यार मम्मी के संस्कार देखो जरा, कोई क्वेश्चन मत कर देना मम्मी के संस्कार पे, क्योंकि मैं उनकी औलाद हूँ, तुम मुझे तो देख ही सकते हो मैं कैसी हूँ। अब तो अब ये अच्छा था है ना। तो इसी बात पे चीयर्स। शिट जल्दी देखो इसे, तू पागल। यस नॉर्मल इंसानों की तरह पढ़ती है। अगर ये वो वैसे पढ़ने लगे ना, वो जो टॉपर होते हैं फर्स्ट सेकंड वाले, तो ये तो मुझे लगता है बाल काट ले अपने, पागल औरत। क्या क्या है ये? ये घोड़े की पूंछ, घोड़े की पूंछ पीछे होती है। अरे ये कैसी, रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसा लग रहा है विग है। अरे इसको मम्मी खुद के ब्रेड पिज्जा में बाल जाएंगे खाना, फिर मेरे बाल नहीं गिरते। तुम्हारा ताना मार दिया आपको आज। ये देख कुकु जल्दी देख, मेरे को छींक आ रही है। छींक। अरे भैया गिलहरी बुरा मान गई थी, फिर पिटती हुई पाई गई। तो ऐसी है कि फिर हंसी आ जाती। तो जी गाइस, हमारे शेफ ने, ये वाला शेफ ने, आज इसकी छुट्टी है। ये देखो गाइस मेरी मैगी आ चुकी है, और अब इसकी मैगी देखो गाइस, बस फैली हुई है इसलिए ज्यादा लग रही है। मेरे को ठंडी मैगी पसंद है इसलिए। अच्छा मैं फैला ली। तो ये शाही दरबार की थाली कहाँ से आ गई है? चॉपस्टिक। इन्हें क्या हो गया यार? मैं ये देख रही हूँ जरा सी मैगी थाली में, बेटा वो टब भी रखा था खाली बाहर, और बड़ी बड़ी परांठे भी रखी उनमें डाल दे नेक्स्ट टाइम से। तो जी मेरे प्यारे मित्रों, फिलहाल द गॉड सिस्टर्स आ गई हैं इस प्यारे से व्लॉग को यहीं पे एंड करने, लेकिन एंड करने से पहले ये बड़ी मांग वाला आदमी थोड़े कमेंट्स पड़ेगा। तो जी पहला कमेंट है आकाश जी की तरफ से, वेरी नाइस फैमिली, थैंक यू आकाश जी, थैंक यू सो मच। फिर ध्रुव शर्मा ने लिखा है एक्सलेंट व्लॉग, योर फैमिली इज वेरी स्वीट, क्यूटेस्ट फैमिली एवर, नाइस व्लॉग। थैंक यू ध्रुव यार, थैंक यू सो मच, ये बहुत ज्यादा प्यारे वर्ड्स हैं, थैंक यू लिटरली। फिर मेघा कुशवा जी ने लिखा है अनुष्का डॉक्टर को दिखा लो प्लीज। मेघा जी इस चीज के लिए क्या ही डॉक्टर को दिखाऊं, आप मतलब खुद सोचो, मतलब किसके पास हो, किसी को भी बोलूंगी भाई भूख नहीं लग रही तो बोले खा ले कुछ यार, मेरे पास क्यों पैसे उड़ा रही है। एक्चुअली क्या है ना, मेरी मम्मी जिस दिन पास्ता बना देगी ना बढ़िया वाला, उस दिन मैं खा लूंगी, पर वो ही है ना, वो बनाती नहीं, मैं खाती नहीं, वैसे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम ठीक हो रही है। फिर खुशबू साहू जी ने लिखा है थैंक यू सो मच दी, आपने मेरा कॉमेंट को इतना अच्छे से बोला, लव यू दी, नाइस फैमिली, प्रणाम अंकल आंटी को, बहुत क्यूट हो। थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू सो मच। आपने एक बार बोला था कि आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, लेकिन ट्रस्ट मी मैं हमेशा आपका कमेंट पढ़ती हूँ। आप ही का गिर गई तू, आप ही का नहीं सभी का पढ़ती हूँ मैं, मतलब कोई भी मिस नहीं करते, बट थैंक यू सो मच हर बार कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट मयूरी अग्रवाल जी ने बहुत सारे हार्ट बनाए हैं। अरे बहुत सारे हार्ट, उसके डबल कर लो और उतने हार्ट्स मैं आपके लिए बना रही हूँ, थैंक यू सो मच। फिर मोनिका भास्कर जी ने लिखा है इट्स बीइंग अ हॉबी टू सी यू एवरी डे अनुष्का दी, योर फैमिली इज गॉर्जियस, योर सिस्टर इज सो क्यूट, योर मम्मा इज सो फ्रेंडली एंड फादर इज स्वीटेस्ट वन, यू एंड यू आर फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ये बहुत ही प्यारा कॉमेंट है। आई थिंक मोनिका जी ने पहली बार किया है ना अपना कॉमेंट, हमें सब याद रहता है गाइस, है ही मतलब बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो हमें सब याद रहता है। और थैंक यू सो मच मोनिका जी, आपका कमेंट ना बहुत प्यारा है, बस उसमें दो चीजें गलत थी, एक ये सिस्टर फैंटास्टिक है, सिस्टर फैंटास्टिक और मम्मी क्यूट है यार, ऐसा नहीं है, बस पापा और यहाँ पे अनुष्का जी ही सबसे अच्छे हैं। फिर मनीष शर्मा जी ने लिखा है मेरा कमेंट का तो रिप्लाई ही नहीं मिला एक बार भी। ओ मैं गया जी, मनीष जी आपने पहली बार ही कमेंट किया है, वरना ट्रस्ट मी यार हम सबके पढ़ते हैं यार, लाइन से पढ़ते हैं, तो अच्छा हो नहीं सकता, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो वी आर रियली सॉरी, और अभी कमेंट का रिप्लाई ये है कि थैंक यू सो मच। फिर वाई वी अंकित ने लिखा है हंसने वाले इमोजी और सच क्वेश्चन मार्क। क्या सच जी, सब सच ही है। मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में किया वो समझ नहीं आया मुझे। फिर नूब निंजा FF ने लिखा है दीदी यू आर सो क्यूट। ओ यार योर कमेंट इज आल्सो सो क्यूट, मतलब आप बहुत पॉजिटिव हो, जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, सभी जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं ना, थैंक यू सो मच, दो दो मिनट भी निकाल के आप लिख रहे हो, दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फिर पुत्तू सिंह जी ने लिखा है नाइस, थैंक यू पुत्तू सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कमेंट। बस बस
तो जी ये थे हमारे आज के प्यारे प्यारे नहीं बहुत ज्यादा प्यारे कॉमेंट्स। तो अगर आप अभी तक बने हो तो थैंक यू वेरी मच एंड वी ऑलवेज सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच बटर के साथ खेल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।